सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आप सभी का चौथी कक्षा में। तो कल के क्लास में हम क्या देख रहे थे, आत्मविश्वास इस पाठ के क्वेश्चन आंसर देखे हैं और किसने किससे कहा ये भी हमने कंप्लीट किया है। सो आज के क्लास में हम देखेंगे सही उत्तर चुनकर निशान लगाए। हाँ, बहुविकल्प प्रश्न, उसमें सही उत्तर चुनकर निशान लगाए। सो उसमें है पहला, तो यहाँ पर यहाँ मैंने पहले ही लिख के रखे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें ही टेक्स्ट बुक में ही क्या करो, टिक करो। ओके, टेक्स्ट बुक में ही टिक मार करो और जो मैं लिखो करके बोलती हूँ वो अपने नोटबुक में लिखो। ओके, तो यह है सही उत्तर चुनकर निशान लगाए। तो पहला है, दूसरे का सहारा छोड़कर केवल डैश है। क्या है, दूसरे का सहारा छोड़कर केवल अपने सहारे पर जीवन बिताना क्या है। पहला है आत्मविश्वास, दूसरा है वीर, तीसरी है मूर्खता और चौथा है काय। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? हमारे लेसन का नाम भी क्या है, आत्मविश्वास। तो इसका उत्तर है आत्मविश्वास। तो आत्मविश्वास यहाँ क्या करेंगे, सही का निशान लगाना है और यहाँ लिखना है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास है। देखो, दूसरे का सहारा छोड़कर केवल अपने सहारे पर जीवन बिताना आत्मविश्वास है। दूसरा है, दाऊद नाम का बालक बहुत अच्छी डैश बजाता है। दाऊद नाम का बालक बहुत अच्छी क्या बजाता है, क्या बजाता है करके बोला था मैंने। देखो ऑप्शन में क्या है, मुरली, ताली, वीणा या ढोलकी। क्या बजाता है वो, क्या बजाता था, वीणा। सो तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। इसके सामने हम क्या करेंगे, इसे सही का निशान लगाएंगे और यहाँ पर है लिखेंगे वीणा। वीणा क्या है, वीणा। तो दाऊद नाम का बालक बहुत अच्छी वीणा बजाता है। तीसरा है, जब दाऊद ने राजा से विनती की, दाऊद ने राजा से जब गोलियत राक्षस आएगा, जब गोलियत राक्षस आएगा तब मैं उसको अपने डैश से मारकर अपने देश और लोगों की रक्षा करूंगा। क्या विनती की उसने, जब गोलियत राक्षस आएगा तब मैं उसको अपने डैश से मारकर अपने देश और लोगों की रक्षा करूंगा। ऑप्शन क्या क्या है, पहला है बाण, दूसरा है गोफन, तीसरा है चाकू और चौथा है तलवार। तो किससे मारना चाहता था वो, अपनी गोफन से। तो दूसरा ऑप्शन क्या है उत्तर सही है। हाँ, तो यहाँ हमें लिखना है गोफन, गोफन, गोफन से मारकर अपने देश और लोगों की रक्षा करूंगा, ऐसे दाऊद ने राजा से विनती की थी। चौथा है, गोलियत को हारते हुए देखकर, गोलियत को हारते हुए देखकर उसके डैश डर कर भाग गए, उसके डैश डर कर भाग गए। तो कौन भाग गए, क्या ऑप्शन दिए है, राजा, दूसरा है मित्र, तीसरा है साथी और चौथा है सैनिक। तो कौन भाग गए उसके, गोलियत को हारते हुए देखकर उसके सैनिक डर कर भाग गए और सैनिक। तो इसमें चौथा जो पर्याय है वह क्या है, सही है, चौथा ऑप्शन सही है। तो उसके सामने टिक करके इधर लिखना है सैनिक, सही नी का, सही नी।
इधर उधर भाग गए। तो ये हो गए बहुविकल्प प्रश्न में सही उत्तर चुनकर निशान लगाए। तो पहला है दूसरे का सहारा छोड़कर केवल अपने सहारे पर जीवन बिताना आत्मविश्वास है। दूसरा है दाऊद नाम का बालक बहुत अच्छी वीणा बजाता है। तीसरा है दाऊद ने राजा से विनती की जब गोलियत राक्षस आएगा तब मैं उसको अपने गोफन से मारकर अपने देश और लोगों की रक्षा करूंगा। और चौथा है गोलियत को हारते हुए देखकर उसके सैनिक डर कर भाग गए। ओके, तो यहाँ ये खत्म हो गए बहुविकल्प प्रश्न। अब क्या है पेज नंबर थर्टी। तो भाषा ज्ञान क्या है? भाषा ज्ञान तो उसमें पाया क्या है? नीचे दिए शब्दों के बहुवचन लिखे। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखे। तो क्या लिखूं मैं अभी इधर? एक वचन जो है वो लिखती हूँ और बहुवचन बाद में लिखेंगे। ओके, तो अभी तक आप यह क्या करो, जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करो। तो यह है बहुविचन बहुवचन। हाँ, बहुवचन के शब्द। सो यहाँ एक वचन है। हाँ, और इधर क्या लिखने हैं? बहुवचन के शब्द लिखने हैं। ओके, तो पहले बोला था मैंने एक वचन मतलब सिर्फ एक ही संख्या का बहु होता है उसे एक वचन कहते हैं, और बहुवचन मतलब जिसे एक से ज्यादा संख्या का बहु होता है उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। सो यहाँ पहला लिखा है तारा, लड़का, पत्ता, छिपकली, रोटी, टोली। इधर है रात, बात, बहन, समस्या, आवश्यकता और सेना। हाँ, यह है एक वचन के शब्द। इसके सामने क्या करना है? हमें बहुवचन लिखना है, एक से ज्यादा करके लिखना है। तो तारा, तारा तारा मतलब आकाश में चांद तारे रहते हैं। तो तारा एक है तो तारा, एक से ज्यादा है तो तारे। क्या? तारा तारे। लड़का एक है तो लड़का। हाँ, एक है तो लड़का, एक से ज्यादा है तो लड़के, एक से ज्यादा है तो लड़के। पत्ता एक है तो पत्ता, एक से ज्यादा है तो पत्ते, एक से ज्यादा है तो पत्ते। छिपकली, अभी देखो क्या सिर्फ एक ही बहुवचन में एक एक क्या क्या हमने जोड़ा है इसमें? तारा तारे ये स्वर का प्रयोग किया है। लड़का लड़के, पत्ता पत्ते, अभी छिपकली। यहाँ क्या करना है? यहाँ का प्रयोग करना है। यहाँ छिपकली छिपकलियाँ, देखो छिपकली छिप क याँ। आगे क्या जोड़ना है? याँ। रोटी रोटियाँ, एक है तो रोटी और एक से ज्यादा है तो रोटियाँ। इधर टोली, टोली मीन्स ग्रुप या समूह। टोली एक है तो टोली, एक से ज्यादा है तो टोलियां, टोलियां। रात राते, अभी इधर देखो इधर तीन और इधर तीन, क्या दिया है? ए लगाया है और नीचे के जो है इसको यहां लगाया है। रात राते।
रात राते, बात बाते, बहन बहने, बहने। समस्या इधर ए लगाएं, समस्या समस्याएं, समस्याएं। ऊपर क्या दिया है, चंद्र बिंदु दिया है, समस्याएं समस्या समस्याएं। आवश्यकता आवश्यकताएं, आवश्यकता आवश्यकताएं। आवश्यकता आवश्यकताएं। सेना सेनाएं, सेना मतलब मिलिट्री सेना, सेना सेनाएं। ओके, तो ये है बहुवचन। एक वचन जो था उसको हमने एक से ज्यादा में बदल दिया है, है? तो ये हम एक बार पढ़ेंगे। तारा तारे, लड़का लड़के, पत्ता पत्ते, छिपकली छिपकलियां, छिपकली में जो दीवार में होती है वो दिख रही छिपकली, छिप एक है तो छिपकली और एक से ज्यादा है तो छिपकलियां, रोटी रोटियां, टोली टोलियां। हाँ, यहाँ एक एक क्या क्या हमने प्रयोग किया है इसमें, यहाँ यहाँ का यहाँ को जोड़ा है, यहाँ ए को जोड़ा है, बाद में इधर ए को जोड़ा है और इधर भी वही बाप रात रहते हैं, बात बातें, बहन बहने, समस्या समस्याएं, आवश्यकता आवश्यकताएं और सेना सेनाएं। ओके, तो ये है आपका आज का क्लास वर्क और होमवर्क। ये है आपका क्लास वर्क और होमवर्क। सो ये क्या करना है, ये ग्रामर पार्ट जो है भाषा ज्ञान, वह आपको अपने नोटबुक में लिखना है। इसमें नोटबुक में क्या क्या लिखना है, ऊपर भाषा ज्ञान या व्याकरण लिखो और नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखे, ये हेडिंग लिखकर ये सभी क्या करना है उसके वन बाय वन लिखते जाना है। ओके, तो ये है क्लास वन और होमवर्क भी क्या करना है आपको, वन टाइम करना है होमवर्क वन टाइम। होमवर्क भी इसका वन टाइम करना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है। आगे का जो ग्रामर पार्ट हमारा है वो हम क्या करेंगे अगली क्लास में देखेंगे।